साथियों नमस्कार, एडवोकेट नरेंद्र जोशी फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों कल हमने फेसबुक पे एक पोस्ट की थी जिसमें हमने चौराहे पर चालान काट रहे एक पुलिस अधिकारी से सवाल किए थे कि आप जिस पद पर हैं आपको कितनी राशि तक के चालान काटने का अधिकार है, क्या आपके चालान बुक पर आपके एसएचओ के सिग्नेचर एडवांस में मौजूद है, क्या आपको उदयपुर न्यायालय की सिविल डिक्री की जानकारी है जो इस संदर्भ में जारी की गई है। जवाब देना तो दूर रहा, उन्होंने पुलिस जाप्ता बुलाने के लिए फोन कर दिया। उस वीडियो को पोस्ट होने के बाद उदयपुर के कई लोगों द्वारा उस पर अपने कमेंट जारी किए गए, लेकिन मेरे एक व्यूअर का कमेंट उस पर बहुत ही गजब था। और वो बहुत गजब था ये कि मेरे मन में इतना डर बैठ गया है कि जब भी मैं निकलता हूं सामने से यदि पुलिस को देखता हूं तो मैं अपनी स्कूटी पर भी सीट बेल्ट ढूंढने लगता हूं। उदयपुर के पोहरा गणेश जी की कल की घटना किसी से छुपी नहीं है, जहां चालान के नाम पर प्रतापनगर पुलिस थाने के एक हेड कांस्टेबल द्वारा व्यक्ति से सार्वजनिक मारपीट की गई। पुलिस थानों के अंदर तो पुलिस मारपीट करती है, यह अक्सर सुनने में आता है, लेकिन यदि उस घटना का वीडियो किसी भले व्यक्ति ने नहीं बनाया होता तो उसी व्यक्ति के ऊपर राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज करके उसे शिकंजों के पीछे भेज दिया जाता। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा त्वरित संज्ञान लेते हुए एक घंटे के अंदर उस पुलिस हेड कांस्टेबल साहब को निलंबित करने का आदेश दे दिया, लेकिन उस व्यक्ति के मान सम्मान और प्रतिष्ठा का क्या कि जिसे बीच चौराहे पर पुलिस अधिकारी द्वारा मारपीट की गई। क्या जनता हाथ उठाना नहीं जानती है? क्या कल गांधी जयंती के दिन क्या उस व्यक्ति ने एक कसम खाई थी कि कोई एक थप्पड़ मारेगा तो दूसरा गाल आगे करूंगा? नहीं, जनता इज्जत करती है कानून की, जनता इज्जत करती है उस वर्दी की। और यही कारण है कि बड़े से बड़ा एजुकेटेड और पढ़ा लिखा इंसान भी यदि उसके साथ कोई घटना कारित होती है तो वह उस घटना को सहन कर लेता है, लेकिन वर्दी और कानून का सम्मान बनाए रखता है। लेकिन इन घटनाओं से क्या हो रहा है? इन घटनाओं से आज की तारीख में हम यही देख रहे हैं कि पुलिस के प्रति आम जनता का विश्वास कम होता जा रहा है, घटता जा रहा है। और आज पुलिस की मौजूदगी के अंदर व्यक्ति खुद को सुरक्षित नहीं असुरक्षित महसूस करने लगता है। आखिर ऐसा क्यों? हमारे इस वीडियो का मकसद उदयपुर की पुलिस पर यातायात को लेकर या यहां की सुरक्षा को लेकर उनके बनाए नियमों के विरोध में नहीं है। हम खुद कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को जागरूकता के साथ हेलमेट लगाना चाहिए, कार के अंदर सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद चलिए हम मानते हैं कि कुछ लोग कानून का पालन नहीं करते हैं। उसके लिए एक्ट बने हुए हैं, नियम बने हुए हैं जिनके अंतर्गत पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन होता क्या है? होता यही है कि एसपी साहब द्वारा तो आदेश पारित कर दिया, लेकिन उस आदेश को पालन करने वाले अधिकारी ही कानून की अवहेलना करते जा रहे हैं, कानून का स्पष्ट तौर पर उल्लंघन करते जा रहे हैं। दो दिन पहले की बात है, रात को 10 बजे का समय होगा, 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच का सीए सर्कल सवीना पुलिस थाना के अंतर्गत जो एरिया आ रहा है, मैं वहां से गुजर रहा था, देखा था एक बड़ा सा हुजूम लगा हुआ है, बड़ी सी भीड़ लगी हुई है। देखा तो क्या हो रहा है कि चालान कट रहे हैं, और जिनके भी चालान कट रहे हैं वो लोग लगभग नाइट ड्रेसेस के अंदर है, क्योंकि वह सारे लोग उस मोहल्ले के अंदर कोई किसी दूसरे काम से गया है, कोई नवरात्रि का उत्सव देखने गया है, तो कोई चाट पकौड़े के कॉर्नर पे गया है। उस वक्त कोई व्यक्ति मार्केट जाने के हिसाब से नहीं निकला था और कोई व्यक्ति अपनी जेब में पैसा लेके नहीं निकला था कि रात को 10 बजे हुआ चालान काट के राशि जमा करवाए। कई लोगों द्वारा पुलिस के बैठे हुए अधिकारियों से रिक्वेस्ट की जा रही थी कि हम गाड़ी के डॉक्यूमेंट घर पे पड़े हुए हैं, पेमेंट नहीं है, हम पेमेंट लेकर आएंगे और जमा करवाएंगे, लेकिन वहां बैठे मौजूद अधिकारी द्वारा किसी की बात नहीं सुनी जा रही थी और एक ही बात कही जा रही थी कि हम गाड़ी को सीज करेंगे।
हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमान सुंदरलाल जी मांडावा साहब द्वारा उदयपुर जिला पुलिस अधीक्षक को एक नोटिस जारी किया गया था और उस नोटिस के अंदर उन्होंने उदयपुर सिविल न्यायालय द्वारा जारी एक डिक्री के बारे में उनको जानकारी दी कि यदि किसी वाहनधारी के पास हेलमेट नहीं है या फिर उसके पास गाड़ी के कागज नहीं है, ऐसी अवस्था में आप उसकी गाड़ी को सीज नहीं करेंगे, और रही बात चालान की, तो चालान की राशि और डॉक्यूमेंट उसको लाकर दिखाने का अधिकार है, उसकी गाड़ी को आप सीज नहीं करेंगे और बेवजह उसको परेशान और प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। उसके बावजूद भी घर पर चालान भेजने की बात केवल अखबारों का मुद्दा बनकर रह गई है। गाड़ी सीज करना वो अपना अधिकार दिखाते हैं ताकि लोग प्रेशर में आए। सीए सर्कल चौराहे पर मैंने देखा कि जब एक व्यक्ति ने अपने कार से नहीं उतरा और उसने पुलिस कांस्टेबल द्वारा डायरेक्ट बात की, तो उसकी गाड़ी रुकवाकर उसने अपने अधिकारी को ये कहा कि ये खाली हाथ नहीं जाने चाहिए, इनका चालान बनना चाहिए। मतलब पुलिस कांस्टेबल साहब अपना ईगो दिखा रहे थे, और ये सारी चीजें मैंने प्रत्यक्षदर्शी अपनी आंखों से देखी है और वहां के सीसीटीवी फुटेज के अंदर मौजूद है। एक डॉक्टर साहब जो किसी इमरजेंसी काम से निकले हुए थे, उनको भी रोक लिया गया और वह अपने हालात बताते रहे कि उन्हें किसी इमरजेंसी काम से किसी पेशेंट के पास जाना है, लेकिन उन्होंने जाने से रोक ही दिया। निश्चित रूप से कोई भी पुलिस का चालान किसी व्यक्ति के इमरजेंसी काम से बढ़कर नहीं हो सकता है। और सबसे बड़ी बात तो मैं एक बात कहूंगा कि न्यूनतम चालान आज की तारीख में मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट में अमेंडमेंट होने के बाद 1,000 रुपया बन गया है, और 1,000 रुपए का चालान काटने का जो अधिकार है वह स्टार लेवल अधिकारी को होता है, जबकि हम देख रहे हैं कि हर गली मोहल्ले के अंदर पुलिस कांस्टेबल और एक हेड कांस्टेबल साहब बैठकर लोगों के चालान काटते जा रहे हैं। खुद के साइन नहीं करेंगे, खुद का नाम नहीं लिखेंगे, खुद का मोबाइल नंबर नहीं लिखेंगे, और वह चालान काटने बैठे हैं जबकि उनको चालान काटने का अधिकार ही नहीं है। किसी 2-स्टार ऑफिसर की मौजूदगी में चालान राशि जमा करा के अपना वाहन लेकर व्यक्ति निकल सकता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि प्राधिकृत अधिकारी चालान के स्पॉट पर लगभग मौजूद ही नहीं है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, जहां जहां पर गली मोहल्लों के अंदर चालान बन रहे हैं वहां के वायरल होते हुए वीडियोस कह रहे हैं, वहां के सीसीटीवी फुटेज कह रहे हैं, और वहां की पब्लिक खुद देख रही है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि बिना बैरिकेड्स की उचित व्यवस्था के चालान बनाना भी गलत है, क्योंकि होता क्या है कि बिना बैरिकेड्स के चालान बना रहे हैं नई युवा जनरेशन जो अपने आप को ड्राइविंग एक्सपर्ट मानती है, जब वो ड्राइविंग करते हुए जब अचानक सामने से पुलिस का जवान उनके सामने डंडा लेके खड़ा होगा और वो अचानक से गाड़ी मोड़ देंगे और पीछे आ रहे वाहन के साथ दुर्घटनाएं कारित होती है, और ये घटनाएं आम है। कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी है जो आम जनता जानती है। हमारे उदयपुर पुलिस व्यवस्था द्वारा पहले ई चालान की व्यवस्था की गई थी, जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरेज लगे थे, कैमरेज के अंदर कौन व्यक्ति ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन कर रहा है। इसके अलावा कई जगह पुलिस अधिकारियों ने कैमरे लिए थे जिनसे फोटो खींच रहे थे, और व्यक्तियों के घर बैठे उनके चालान पहुंच रहे थे। जब इतनी प्यारी व्यवस्था को पहले कायम किया गया था, तो फिर अभी यह व्यवस्था क्यों कायम नहीं की जा रही है? और जो व्यक्ति आज की तारीख में जिसकी जेब में पैसा नहीं है, जब वह कहता है कि मेरे पास राशि नहीं है, आप चालान घर भेज दीजिए या मुझे चालान बनाकर दे दीजिए, मैं इसको जमा करा दूंगा, वहां पर इतनी सख्ती क्यों कि उसकी गाड़ी सीज करने की बात की जा रही है, जबकि यह सिविल न्यायालय के आदेश की अवमानना है, ऐसा क्यों किया जा रहा है? और सबसे बड़ी बात, आज पब्लिक और पुलिस के अंदर ये बात हम हमारे पहले के भी यूट्यूब वीडियोस में भी कह चुके हैं कि आधी लड़ाइयां बंद हो जाएगी, आधे विवाद खत्म हो जाएंगे जब पुलिस के जवान किसी आम आदमी को तू शब्द की भाषा का इस्तेमाल करना बंद कर देंगे। न जाने कौन सी डिक्शनरी में और कौन सी ट्रेनिंग में पुलिस के ये जवान किसी सीनियर सिटीजन के साथ भी, आम जनता के साथ भी तू शब्द का इस्तेमाल करने से चुकते नहीं है। अचानक से गाड़ी रोक लेंगे, उनके कहने तू साइड खड़ा हो जा, तू ताकि भाषा इस्तेमाल करते हैं, हर आदमी को दिल पे अखरती है, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना मान, अपना सम्मान और प्रतिष्ठा है, क्या जो कुल मिला के वायलेशन हो रही है, और
जिस प्रकार के तू ता और अपशब्द जो इस्तेमाल किए जाते हैं वह निश्चित रूप से निंदनीय है। सीए सर्कल सेक्टर 14 की बात क्या है, मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा कि जब मैं वहां से गुजर रहा था तो मैंने देखा लोगों का हुजूम लगा हुआ है। और बात क्या है, लोग अपने अधिकारों की बात कर रहे थे, जो पुलिस थाना सवीना के जवान वहां चालान बना रहे थे उनसे अपने अधिकारों की बात कर रहे थे और उनसे ये कह रहे थे कि भाई मेरे पास अभी डॉक्यूमेंट नहीं है तो मैं घर से लाके जमा करा दूंगा, आप क्यों जबरदस्ती कर रहे हो, क्यों परेशान कर रहे हो, पैसा मेरे पास नहीं, आप चालान बना के दे दो मैं जमा करा दूंगा। और जब वो अधिकारों की बात कर रहे थे तो उन पुलिस अधिकारी महोदय ने अपना कैमरा उठाया और उस व्यक्ति का वीडियो बनाने लगे और उसे डराने लगे कि राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज होगा, अब तुम बोलो तुमको क्या बोलना है। जब मैंने जनता के साथ इस तरह की चीज देखी तो मुझे भी रहा नहीं गया और मैंने खुद भी अपना कैमरा ऑन करके केवल 3 सवाल पूछे पुलिस थाना सवीना के जवान से। पहला सवाल ये कि आप जिस पद पर है आपको कितने राशि तक का चालान बनाने का अधिकार है, जवाब नहीं दे पाए और उन्होंने कहा हम हमारे एसएचओ की तरफ से चालान बना रहे हैं। जब दूसरा सवाल था कि जब आप एसएचओ की तरफ से चालान बना रहे हैं मतलब आपके चालान ऊपर एडवांस सिग्नेचर किए हुए एसएचओ साहब ने, तो वो जवाब नहीं दे पाए। जब तीसरा सवाल पूछा कि क्या आपको सिविल न्यायालय द्वारा जारी डिग्री की जानकारी संदर्भ की है, तो उन्होंने जाप्ता बुलाने की धमकी तक दे डाली और फोन तक कर डाला। एक आम व्यक्ति अपने अधिकारों को जानता है, वह अपने अधिकारों के लिए पुलिस से सवाल जवाब करता है, लेकिन वहां पर जाप्ता बुलाने की धमकी दी जाती है और केवल अपने ही अधिकारियों के बयान दर्ज करके उनको ही गवाह बना के एक आम व्यक्ति पे राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। हम ये नहीं कहते हैं कि पुलिस चालान नहीं बनाए, पुलिस यातायात व्यवस्था को सुचारू न करे, लेकिन पुलिस तो नियमों का पालन करे। बोरा गणेश जी पे जिस तरीके से आप मारपीट कर रहे हैं, हमारे लिए तो एक व्यक्ति पूरा उदयपुर पुलिस प्रशासन है, उस पे आपने निलंबित कर दिया, लेकिन उस व्यक्ति के मान सम्मान प्रतिष्ठा का क्या, जिसके साथ मारपीट हुई, गले में गमछा था, गांव का था, इसका मतलब उसे मार देंगे, वो तो किसी भले व्यक्ति ने वीडियो बना लिया तो ठीक है, गली मोहल्ले के अंदर बैठकर अभी चालान बनाने शुरू कर देंगे। आज जब अखबार में ये खबर आई कि एक दिन में 1500 चालान बने और 15 लाख रुपए की वसूली हुई, तो गांव के जो व्यक्ति दिवाली नवरात्रि और दशहरे की शॉपिंग करने के लिए गांव से शहर आने वाले थे, उन्होंने सोच लिया कि नहीं भाई हम तो हमारे गांव में ही सही है, यहीं पे अपना काम कर लेंगे, क्योंकि 2000-3000 रुपए की शॉपिंग करने वाला व्यक्ति जब शहर में आकर शॉपिंग करेगा और जब उसे यहाँ के हालात मालूम पड़ते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार की शक्ति चल रही है। पुलिस चालान बनाए, बिल्कुल बनाए, तरीके से बनाए, बैरिकेड्स लगाए, पुलिस के अधिकृत अधिकारी का चालान बनाए जिनको कि चालान बुक पे साइन करने का अधिकार है, लेकिन किसी के साथ मारपीट करना, किसी के साथ बदसलूकी से बात करना, जबरन डंडे के जोर पर किसी की गाड़ी रोककर उस गाड़ी से चाबी निकाल देना, जो कि आपका अधिकार बिल्कुल भी नहीं है, सवाल खड़े होते हैं। और तूता से बात करना और कोई अधिकार से बात करे, अधिकारों की बात करे, कानूनी जानकारियों की बात करे, तो उनके लिए जाप्ता बुलाने की धमकी देना निश्चित रूप से गलत है और यह कानून की अवहेलना है। और यहां पर जब व्यक्ति अधिकारों की बात करे तो राजकार्य में बाधा का मुकदमा डालने की बात करना तो निश्चित रूप से ही गलत है। खुद जिला पुलिस अधीक्षक महोदय बताए कि चालान बनाने का अधिकार है, क्या उसके लिए हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल प्राधिकृत है, क्या बिना अधिकारी की मौजूदगी के क्या 1000 रुपए तक के चालान बनाए जा सकते हैं, तो निश्चित रूप से यह गलत है। कई स्टेट की पुलिस ने ऐसी नजीर पेश की है कि वह चालान बनाने की जगह चालान की राशि से लोगों को हेलमेट एट द स्पॉट देते हैं, क्योंकि राजस्व इकट्ठा करना पुलिस का काम नहीं है, पुलिस राजस्व इकट्ठे करने के लिए नहीं बनी हुई है। खुद हाईकोर्ट ने इस मैटर में कहा है कि राजस्व इकट्ठा करने का कार्य जो है पुलिस विभाग का नहीं है। इस मामले में उदयपुर पुलिस विभाग को एक बेहतरीन नजीर पेश करनी चाहिए ताकि एक आम व्यक्ति के मन में पुलिस की जो छवि बनती जा रही है वह छवि
सुधरे, क्योंकि आज की तारीख में व्यक्ति पुलिस की मौजूदगी में खुद को असुरक्षित क्यों महसूस कर रहा है, क्यों इस तरह की बातें आ रही है, क्यों रोड पे मारपीट हो रही है, क्यों पब्लिक से तूता पे बात हो रही है, क्यों लोगों की गाड़ी से जबरन चाबी निकाल दी जाती है, क्यों आखिर क्यों। और कहते हैं कि एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, तो कुछ जगह अधिकारी जो इस प्रकार के काम कर रहे हैं उनके ऊपर पुलिस विभाग को सख्ती बरतनी बहुत ही आवश्यक है। दूसरी बात, प्रत्येक वो व्यक्ति, सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इस वीडियो का हमारा मकसद ये कतई भी नहीं है कि हम उदयपुर की पुलिस व्यवस्था को प्रभावित करना चाहते हैं। हमारा मकसद जनता को उनके अधिकारों के प्रति अवेयर करना है, और साथ ही हम ये चाहते हैं कि पुलिस भी अपनी भूमिका स्पष्ट रूप से निभाए और कानून के प्रावधानों के तहत ही कार्य करे। जनता के साथ इस तरह की बदसलूकी नहीं होनी चाहिए। और जो भी व्यक्ति मौके पर बैठकर चालान काट रहा है, उस चालान बुक पर उसके सिग्नेचर, उसका नाम, उसका बैग नंबर, उसका मोबाइल नंबर मेंशन कराना एक जो व्यक्ति चालान भर रहा है उसका अधिकार है। एक्ट के अंदर भी इस चीज का खुला प्रावधान है कि जिस भी व्यक्ति का चालान बन रहा है वह सामने वाले पुलिस अधिकारी का नाम जान सकता है, उसका बैग नंबर जान सकता है, उसकी डेजिग्नेशन, उसका पद क्या है वह जानकारी ले सकता है, और साथ ही उससे आईडी कार्ड भी पूछ सकता है, उसका आईडी कार्ड भी देख सकता है। यह आम जनता का अधिकार है जो होना चाहिए। हमारा टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि अखबारों में हमारी खबर बने कि हमने 1500 चालान बनाए और 15 लाख का राजस्व वसूल किया। ये हमारा टारगेट कतई नहीं होना चाहिए। सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है, लोगों को गुलाब के फूल दिए जाते हैं, चॉकलेट्स दी जाती है, उनसे उम्मीद की जाती है कि वह यातायात नियमों का पालन करें। लेकिन यहां पर हम पुलिस व्यवस्था से भी ये गुजारिश करते हैं कि पुलिस खुद भी नियमों का पालन करे, प्राधिकृत व्यक्ति ही चालान बनाए, गली मोहल्लों को इस चीज से दूर रखा जाए, चालान का एक निश्चित समय हो, यह नहीं कि रात को 10-11 बजे भी पुलिस चालान बना रही है। रात को 8 बजे बाद शराब की दुकानें बंद होती है, 10 बजे सारे मार्केट को बंद कराया जाता है, और वहां 10 बजे अगर गली मोहल्लों के अंदर लोग नवरात्रि में डांडिया खेलने जा रहे हैं, उनका अगर चालान बनाया जाता है तो निश्चित रूप से ये सोचने की बात है। इस व्यवस्था पर पुलिस को संज्ञान लेना चाहिए, पुलिस आला अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए कि आम व्यवस्था का पुलिस पर विश्वास बना रहे। इस प्रकार लोगों की भावनाएं नहीं बढ़ के लोगों की पुलिस के प्रति नकारात्मक श्रेणी उत्पन्न नहीं हो। और सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूंगा कि कुल मिलाकर आज की तारीख में पुलिस के अंदर जो जनता के साथ तूता करके बात जो हो रही है, अगर वह तूता के शब्द भी बंद हो जाए तो आधे जनता के विवाद समाप्त हो जाएंगे। लेकिन इस पर संज्ञान लेना बहुत ही जरूरी है। तो डंडे के जोर पर गाड़ी से चाबी निकालकर, तू तड़ाक से बात करके, गाड़ियां जब्त करने की धमकी देकर एक आम व्यक्ति को परेशान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस चीज को पुलिस को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और उन नियमों का पालन करना चाहिए। यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पेज पर इसी प्रकार के अपडेट हमारे द्वारा दिए जाते हैं, लेकिन वो जन अवेयरनेस के लिए होते हैं। हम जनता से भी यही उम्मीद करेंगे कि वो यातायात नियमों का पूरी तरीके से पालन करें, पूरी तरीके से पालन करें, और हेलमेट पहने, सीट बेल्ट लगाए, खुद को सुरक्षित रखे, और पुलिस व्यवस्था को सहयोग बनाने में एक भरपूर अपना सहयोग प्रदान जरूर करें। लेकिन पुलिस व्यवस्था को भी चाहिए कि यहां पर अगर इस प्रकार के एक्ट कारित होते हैं जो कि अविधिक है, वहां पर उनको त्वरित बड़ा एक्शन लेना चाहिए ताकि जनता में पुलिस के लिए एक अच्छी छवि का निर्माण हो। धन्यवाद।